नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सार्थक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा ना होने के बावजूद छात्रों से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है, साथ में पूरे सेमेस्टर या पूरे ईयर की फीस को जमा कराया कर जाने का दबाव बनाया जा रहा है। जो छात्र परीक्षा फॉर्म या एग्ज़ाम फीस के अलावा जितनी भी फीस लगती हैं उनको जमा ना करने की बात कही जाने पर परीक्षा और डिफाल्टर की बात कही जाती है यूनिवर्सिटी द्वारा। यह एक आर्टिकल दैनिक भास्कर में छपा, उसी के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि राजधानी के राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में सत्र 19-20 में वर्तमान सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होनी है, फिर भी दोस्तों छात्रों से एग्ज़ाम फॉर्म के साथ पूरी फीस वसूली जा रही है। ये बात एक आर्टिकल जो कि दैनिक भास्कर के ई पत्रिका में छपा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आज के डेट 4 जुलाई 2020 को छपा हुआ है, जो कि 10:14 AM पे छपा हुआ है, जो कि सुबह में ये पेपर आपको आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जिसमें पूरा ये बताया गया है कि छात्रों से पूरी फीस जमा करवाया जा रहा है, साथ में दोस्तों एग्ज़ाम ना होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में परीक्षा नहीं कराकर पिछली परीक्षाओं के आधार पर 19-20 का रिजल्ट तैयार कराने का निर्णय सरकार ले चुके हैं। इसके बाद भी विश्वविद्यालय अपने खजाने को भरने में लगे हैं। राजधानी के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सत्र 19-20 में वर्तमान, तो जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होनी है, इसके बावजूद भी सभी छात्र छात्राओं से पूरी फीस के साथ परीक्षा फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के इस सेमेस्टर से आने वाली फीस से करीब 20 करोड़ की अनुमानित आमदनी होगी, यानी दोस्तों यूनिवर्सिटी अपना मुनाफा कम करने की तैयारी में नहीं है। करोड़ों का जो छात्रों से फीस वसूली जा रही है उसमें आप देख सकते हैं कि, तो दोस्तों जैसा कि 2018-19 में 54 करोड़ की आमदनी परीक्षा फीस हुई थी, सत्र 19-20 में वर्तमान सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होनी है और उत्तर पुस्तिका का उपयोग भी अब अगले सत्र में होगा। खास यह भी है कि विश्वविद्यालय नॉन प्रॉफिटेबल होने के साथ शासकीय संस्थान है, वहीं इसके पास करोड़ों का कॉर्पस फंड है। फिर भी इस महामारी में विश्वविद्यालय फीस जमा कराने के लिए छात्रों को मजबूर कर रहा है। अब कई खर्च यूनिवर्सिटी के हो जाएंगे कम। यूजी के प्रति छात्र सेमेस्टर फीस 1300 रुपये, अब परीक्षा नहीं होगी तो रिजल्ट तैयार करने में कई खर्च दोस्तों कम होंगे। विश्वविद्यालय के पास पिछली परीक्षाओं के रिजल्ट का रिकॉर्ड है, ऐसे में रिजल्ट को प्रोसेस करने के प्रति छात्र 12 रुपये ही खर्च आएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी को कितना बेनिफिट होगा। फिर भी दोस्तों यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्रों से एग्ज़ाम फीस के साथ पूरी फीस वसूली जा रही है। तो दोस्तों RGPB में परीक्षा, पिछले 2 महीने से परीक्षा फॉर्म जमा हो रहे हैं, अभी भी आवेदन लिंक ओपन है। परीक्षा नहीं कराने की सरकार की घोषणा के बाद भी परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो इसके कारण छात्र एवं अभिभावक में असमंजस है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर के द्वारा एक अच्छी टॉपिक पे न्यूज़ निकाली गई है, जिसमें छात्रों के हित के बारे में ही जानकारी प्रेषित की गई। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।